good morning kids welcome to morning international school today i'm going to give you the explanation of similes of chapter number 10 grandma's surprise kids here is the page of 109 look at these sentences then only i will explain you the meaning of similes the first one is sheen logged as shed as a gray cloud न इज सैड एस ग्रे क्लाउड सीन दुखी है कैसे एक क्लाउड की तरह तो यहाँ पे कॉम्पेरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में शीन दुखी है लेकिन एक क्लाउड की तरह तो किड्स मीनिंग ऑफ द सिमिल्ड स्पीकिंग एंड राइटिंग वी ऑफन कम्पेयर समथिंग टू अनदर थिंग एक चीज़ को जब हम दूसरी चीज़ों से कॉम्पेयर करते हैं तो उसे हम सिमिलिस कहते हैं उसे हम एज के थ्रू शो भी करते हैं वी मेक कॉम्पेरिजन यूजिंग लाइक और एज सच एज कॉम्पेरिजन आर कॉल्ड सिमिलिर्स तो हम आगे देख लेते हैं किड्स क्वेश्चन नंबर फाइव जो आपकी बुक में दिया हुआ है यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं और आगे देख लेते हैं नंबर फाइव में है फर्स्ट क्वेश्चन शीन स्लैप्ड लाइक अ लॉग आफ्टर रिटर्निंग होम शीन कैसे सो रहा है एक लकड़ी की तरह तो यहाँ पे कॉम्पेरिजन और दो चीज़ों के बीच में लॉग और शीन के सोने से तो ये आपका आंसर हो जाएगा ही वॉज एज हंगरी एज अ ओल्फ वो एक भेड़िए की तरह भूखा है तो वहाँ पर कॉम्पेरिज़न हो रहा है भूख और उल्फ के बीच में तो दिस इज योर आंसर्स नंबर थ्री ही स्टमी ग्राउल्ड लाइक अ लायन जैसे लायन की आवाज़ होती है उसके टमी में भी वैसी आवाज़ आ रही तो यहाँ पे कॉम्पेरिज़न हो रहा है दो चीज़ों के बीच में नेक्स्ट वन है हमारा शी वॉज़ एज बिजी एज अ बी जिस तरह बीज बिजी होते हैं हनी बीज अपना हनी बनाने के लिए उस तरह वो भी बिजी है तो यहाँ पे शी और बी के बीच में कॉम्पेरिज़न हो रहा है ओके तो दिस इज़ योर आंसर हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन जिस तरह सन चमकता है सूरज चमकता है उसकी स्माइल भी इसी तरह चमक रही है तो यहाँ पे स्माइल और सन के बीच में कॉम्पेरिजन हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया एज ब्राइट एज द सन ओके किड्स नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन सिक्स नंबर इज़ शीन्स ग्रैंड मदर वॉज एज जेंटल एज अ लैम ग्रैंड मदर कैसी है जैसे कि एक सॉरी एक शिप का बच्चा होता है मासूम सा प्यारा सा वैसे ग्रैंड मदर है तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ग्रैंड मदर और उनके लैम्ब के बीच में कि लैम्ब भी बहुत नेचर वाइज सॉफ्ट होता है वैसे ग्रैंड मदर का भी नेचर है तो किड्स मैंने नीचे सारे आंसर्स दे दिए अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स सो यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम वन राइट नंबर वन है शीन लॉक नंबर टू ही उल्फ़ नंबर थ्री ही स्टमिंग ओके लाइक लायन नंबर फोर शी बी नंबर फाइव हर स्माइल एंड सन नंबर सिक्स शीन्स ग्रैंड मदर एंड लैम तो किड्स दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर फाइव फ्रॉम योर टेक्सट बुक ठीक है पर फिर भी मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिमिलीज का मीनिंग क्या होता है जब हम दो चीज़ों के बीच में कॉम्पेरिजन करते हैं तो हम उसे सिमिलीज में लाइक like और एज वर्ड यूज़ करके कंपेयर करते हैं और आंसर बनाते हैं ओके किड्स सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स वेरी वेल इवेन दो इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रीली ओके सो गुड मॉर्निंग सो सो थैंक यू सो मच एवरी फॉर लिसनिंग मी एंड स्टे सेफ एट होम